That's great. हमें तो बस एक से छुटकारा चाहिए था, पर हमारी खुशकिस्मती देखो, दोनों से छुटकारा मिल गया। ओह ब्रेवो मिसेस हुमा, मैं जानती थी कि आप ऐसा कुछ ना कुछ करेंगी, लेकिन इतना जल्दी करेंगी मुझे इसका अंदाजा नहीं था। वाल, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो डिनर पार्टी क्यों रखी थी? मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं करती, मेरे पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अब हमारे सामने दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। सनी और इगिट साथ में काम कर रहे हैं, वो रोज मुझे नजर आएगी। अब इतना मत सोचो डियर, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और जरूरी बात ये है कि जॉन की जिंदगी में सनी नहीं है, दैट्स ऑल। तुम इसके साथ बालकंस जा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, मैं और जॉन साथ में जाएंगे और बहुत मजे करेंगे, पर सबसे पहले हमें एक काम करना होगा, जॉन को पहले जैसा बनाना होगा, और उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। मैं उसे याद दिलाऊंगी कि आखिर वो था कौन, और मेरे साथ बिताए हुए वो सारे पल याद दिलाऊंगी मैं उसे। और रही इगिट की बात, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन तक यहाँ रह पाएगा, वो जल्द ही कनाडा चला जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, और जब वो सनम तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहेगी तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, सो डोंट वरी। सही कह रही आप, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं, जो होगा अच्छा होगा, उम्मीद तो यही है। कहाँ हो भाई, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, पता है तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा? मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला लेट हो रहा था। क्या हुआ, तुम काफी परेशान लग रहे हो मुझे। नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बात है, तुम बार बार कॉल कर रहे थे और यहाँ आ गए, बताओ ना क्या बात है। सुन रहा हूँ मैं, बोलो क्या हुआ। सनम के बाद लैला ने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, सच में वो चली गई? मुझे लगा ही था कि वो खुश नहीं थी, इसीलिए तुम्हारे लिए भी ये कोई ताजुब की बात नहीं होगी। नहीं, मुझे लगा मैं उसे मना लूंगा, मेरी बात मान जाएगी, पर वो नहीं मानी। नहीं नहीं ब्रो नहीं, ये आयदिन के खानदान की बेटियां ना बहुत जिद्दी है, उन्हें मनाना नामुमकिन है, उनका पूरा खानदान ही ऐसा, और वो कभी नहीं बदलेंगे, उन्हें जो करना है वो वही करते हैं। पर तुम दुखी क्यों हो रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी आपस में बनती नहीं है। नहीं दरअसल वो बहुत अच्छी असिस्टेंट थी, उसकी जैसी मिलना नामुमकिन है। क्या 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 असिस्टेंट, सिर्फ असिस्टेंट था? नहीं अरे, खुद को भटकाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो ना, सब जानता हूं मैं। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, मैं तुम्हें पीटूंगा, मुझे गाड़ी पर आएगा, छोड़ो। अरे आओ ना। उन्होंने दो हफ्ते काम करने के लिए रोका नहीं, सनम के साथ तो वैसे ही किया था उन्होंने। नहीं, और उसके अलावा मैंने अब तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, और मेरा काम भी पूरा हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, और मेरे साथ वही उसी पब्लिशिंग हाउस में साथ में काम करने वाली है। हाँ, सनम के बॉस ने मुझे जॉब ऑफर दी है, मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ी, क्योंकि इसी वजह से मैं वापस साथ में काम कर पा रही हूँ उनके साथ। सुपर, देखा वो जगह छोड़ते से तुम्हारे साथ अच्छा होने लगा है। हाँ बिल्कुल, अब सब कुछ अच्छा होगा लैला। हाँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, ओके? हाँ सब कुछ अच्छा होगा। क्या हम आज रात को जीजे के यहाँ मिले, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है? नहीं नहीं अच्छी ही बात है, सबसे पहले मॉम और डैड से जाकर बात करते हैं, ओके? हाँ चलो, तो फिर खाने के बाद जीजे के यहाँ मिलते हैं, ओके? ठीक है। हाँ ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। वैसे अयान कहाँ है? मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, मैंने उसे बहुत नजरअंदाज किया है। कितनी बारिश हो रही है। हाँ बहुत ही टेस्टी है, वेरी गुड। हाँ सही में ये बहुत अच्छा है। जरा चुप रहो। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, हाँ? हमसे कुछ छिपा रही हो, आंखें तो देखो तुम्हारी। मैंने जॉब छोड़ दिया। हाँ, लेकिन हम वो पहले से जानते थे। अब मैं वहाँ क्या कभी भी नहीं जाऊंगी, मैंने फिक्री हारी का हमेशा के लिए छोड़ दी है, मैं अब बस वहाँ नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। हमें इन्वॉल्व नहीं होना, पर क्या तुम श्योर हो, तुमने ठीक से सोच लिया है ना, बताओ। तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ पूछ रही है, हम नहीं चाहते कि आगे जाके तुम्हें बुरा लगे। मुझे यकीन है मेरा फैसला मेरे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा है, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि तुम खुश रहो। मैं रिजाइन दे चुकी हूँ। क्या, तुमने ऐसा क्यों किया?
कुछ नहीं, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, फिक्र मत कीजिए। ओ अच्छी बात है, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम खुश नहीं थी और तुम काफी मेहनत करती थी। शादी होने के बाद जॉब करना मुश्किलों भरा होता है, इसलिए तुमने अच्छा ही किया। हाँ मॉम आप सही हो। हम कहीं और काम करने वाले हैं। अब ये क्या बोल रही हो तुम दोनों, एक ही बार में क्यों नहीं बताती हो, सब एक एक करके क्यों बताती हो, ये कौन सी नई जॉब है? एक नया पब्लिशिंग हाउस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आज हमें उनकी जॉब ऑफर मिली है, मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैं सनीम की फाइनेंस मैनेजर हूँ और उसके साथ एडिटर का काम अच्छे से संभालूंगी। लेकिन ये पब्लिशिंग हाउस है कहाँ, कितना दूर है, तुम वहाँ कैसे जाओगी? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई दिक्कत हो, क्या तुमने सोच समझ कर फैसला किया है या नहीं? नहीं नहीं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप चाहो तो हमारे नए बॉस से जाकर मिल सकते हैं। अजय अगर तुम कह रही हो तो ठीक है दोनों के लिए, हाँ अच्छा लगा मुझे। वैसे ये पब्लिशिंग हाउस है कहाँ? वो एक्चुअली फिक्री हरिका। अच्छा, मेरा पुराना ऑफिस वही है। आप जब बिल्डिंग के अंदर जाते हो ना तो वहाँ राइट साइड में कुछ सीढ़ियाँ हैं, वही तो है डैड, आपको आपको पता है वो जगह? अच्छा तुम बता रही हो तो मॉम आपको पता है ना वो जगह, वो जब कि आप मुड़ते हो? हाँ वही राइट साइड में जहाँ आप मुड़ते हो, वो आप जब नीचे जाते हो ना वो जगह वही है। जब आप राइट साइड में मुड़ते हो, अब हम एक ही ऑफिस में एक साथ काम करने वाले हैं, हम वही बिल्डिंग में साथ में जाएंगे, ये कितनी अच्छी बात है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। दोनों सही कह रही है, अच्छी बात है दोनों साथ में हैं, अब दूर भी नहीं रहेंगी। ये ऑफिस नीचे है। नीचे डेरेन जानती है कि उसके कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो तुम्हें बता देंगी। हमने कस्टमर का डेटा भी प्रोड्यूसर के साथ डिस्कस कर लिया था, हमारे स्लोगन सजेशंस भी भेज दिए थे, हमें उनका रिप्लाई का वेट करना है, ठीक है? बस इतना ही, और तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ हो तो मुझे कांटेक्ट करना। क्या तुम सच में जा रहे हो? अरे यार हमने इस बारे में कितनी बार बात की है इमरे, हमने बात की थी और हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं सब कुछ अरेंज कर चुका हूँ, ये तुम जानते हो, तुम यकीन क्यों नहीं करते मेरा, समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई मुझे लगा था कि ये कोई सडन रिएक्शन होगा, पर तुम तो वाकई में जा रहे हो। हाँ मैं जा रहा हूँ इमरे। अगर ये 6 महीने पहले बोला होता तो मैं खुश होता, लेकिन अब मैं पहले वाला इमरे नहीं रहा भाई, तुम्हारी इस ऑफिस को बहुत जरूरत है। मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों सौंप रहा हूँ। आई नो यू कैन हैंडल, डोंट वरी। मत जाओ ना भाई। वेल एक्चुअली रेडमोड ने एक नया ऑफर किया है, वो उसके सब कंपनी के लिए अच्छा है, डेरेन उस पर काम कर रही है, उसे निग्लेक्ट मत करना, संभल कर रहना ठीक है? एमरे क्या तुम कंसंट्रेट करोगे प्लीज, पोलन भी यहाँ आएगी, हम उसकी बुक पर भी काम करेंगे, हम सब कुछ खत्म कर सकते हैं, वो यहाँ है, उससे पहले हमें सब कुछ संभाल लेना चाहिए। ए हेलो पड़ोसी। वेलकम वेलकम, आइए ना। थैंक यू सनम, मेरे लिए सरप्राइज था। हम तुम्हें कांग्रेचुलेट करने आए हैं। थैंक यू, वेलकम मिस्टर डेरेन। थैंक यू सनम, तुम्हारा ऑफिस काफी अच्छा है और ये तुम्हारी डेस्क भी। हाँ हाँ, और अब मैं सेटल भी हो गई हूँ यहाँ। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ताकि बुरी नजर ना लगे। थैंक यू जे। ये वाकई में बहुत इफेक्टिव है सनम, इससे नजर नहीं लगेगी। तुम सब चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो, अपने बंद मुंह को खोलो। तुम चिल्ला क्यों रहे हो जे, क्या हमारी नजर लगती है? हाँ सनम तुम पीटर जी को ऑफिस में भूल गई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ एज ऑनररी जेंगीज, यू नो। जे तुम्हारा एटीट्यूड काफी अलग है, सेमिनिस्ट रिचुअल है ना? क्या कहा, शेमिनिज्म? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुझे बस उस पर पूरा यकीन है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कहो और वो मुझे सब कुछ बताता है और मैं तुम्हारे पास आता हूँ, अभी कहो। चलो आप ही जाओ सर। ऑल राइट, ओके, कम ऑन। मैं यहाँ जल्द ही अब यूज्ड हो गई हूँ। अच्छा, मेरे पास कुछ छोटी छोटी चीजें हैं अभी। हाँ मेरा मतलब तुम ज्यादा दूर नहीं गई हो।
हम साथ में मिलकर खाना खा सकते हैं, एक दूसरे को अक्सर मिलने आ सकते हैं। सलीम, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगी हूँ। हम सब तुम्हें बहुत मिस करते हैं। पता है, आप सब लोग कॉफी पीते हैं। कुछ कुछ लोग। गॉड डैम, जब भी तुम्हारा चाय पीने का मन करेगा तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी, प्रॉमिस। लैला, वेलकम। लैला तुम? हाँ, लैला ने भी यहाँ काम करना शुरू किया। सच में मुझे खुशी है इस बात की। मुझे दुख हो रहा था कि तुम भी चली गई, पर अब खुशी है कि तुम्हें देखने का मौका मिलता रहेगा। थैंक यू। ओ, ये कितनी अच्छी जगह है, काश मैं भी यहाँ काम करती। हाँ, मैं भी। मेरा मतलब कि यहाँ आजू बाजू लोग नहीं है जो अक्सर स्ट्रेस देते हैं। हाँ हाँ गुलीज, समझ सकता हूँ। हाँ, हम लोग काफी लकी हैं। हाँ, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, सच में, है कि नहीं? तुम देखना जब हम ऑफिस वापस चले जाएंगे। हाँ, चलो चलते हैं। हाँ, जरूर आएंगे, मैं तुम्हें मिलने आता रहूँगा। ओह, क्या आप भी यहाँ ट्रांसफर हो गए क्या? ओह, हम यहाँ सनम को कंग्रेचुलेट करने आए थे, और आपको भी। वैसे आपका ऑफिस काफी अच्छा है। थैंक यू, हमने कुछ रिनोवेशन किया है पर। ओह अच्छा, क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगी? हाँ जरूर। हाँ, पर ऑफिस में बहुत सारा काम बाकी है। आपने ही तो कहा बहुत सारा काम है। अगर तुम चाहो तो तुम जा सकते हो, मैं बाद में आऊंगी। बस एक कप कॉफी? आपको भी कॉफी पसंद है? नेचुरली। एग्जैक्टली लाइक मी। ओह, कैसा कोइंसिडेंस है ये तो। सनम बोले ऊपर ही है, जाओ और चेक करो अगर तुम चाहो तो। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जाऊंगी वहाँ। मेरा मतलब है कि एजेंसी के बहुत सारे काम बाकी है, और अगर मैं उन्हें ऐसे ही छोड़कर आ गई तो लोग कहेंगे कि काम छोड़कर भाग गई, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं वहाँ जाकर एक मिनट में आ जाती हूँ। सनम, क्या तुम पोलन को बताओगी कि आज आर्ट डायरेक्टर आने वाले हैं? उसे पता होना चाहिए, प्लीज रिमाइंडर करा देना उसे, समझ गई? वैसे मैं आर्काइव जा रही थी, पर ठीक है, उसे बता दूंगी। आती हूँ। मैं इसे अरेंज करती हूँ। ओके, जल्दी आओ। ठीक है, मैं आपकी जैसी कॉफी लेना चाहूंगी। मैं आपके लिए कॉफी लेके आऊँ? विदाउट शुगर। जैसे आपको पसंद है ये गीत। ओके चेजे, बाय द वे, आपका क्या मतलब है? नहीं, ये कोई टॉपिक नहीं है। ओके, मैं कॉफी लाता हूँ, फिर हम बात करते हैं, ठीक है? क्या प्रिंस टाइम पर आ जाएंगे? जान, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा होगा, है ना? नहीं नहीं, मैं अपना सारा काम खत्म करूंगा। अब से यहाँ की देखभाल एमरे करेगा, मैं बस तुम्हारी बुक पर फोकस करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ से काम खत्म करके चला जाऊंगा। ओ जान, तुम ग्रेट हो सच में। I'm sorry, पर मैं कुछ कहूँ? क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने अब तक काम स्टार्ट नहीं किया क्या? हाँ हाँ, किया तो है, और उस एटमॉस्फेयर में बहुत मजा आ रहा है। वहाँ सब कुछ अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, और मैं काफी मजे में भी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सच कहूँ तो हमें बात करनी चाहिए अबाउट क्या? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा। सॉरी, ये हम दोनों के बीच की बात है। क्या? क्या स्पोर्टिव कौन? आपने हम दोनों के बीच का मैजिक खराब कर दिया। ओ, स्पोर्टिव लाइन, ओके। सीक्रेट द बॉल। ओ हाँ, याद आया, वैसे वो तो एक सीक्रेट था, पर कोई बात नहीं, पोलन ने सुन लिया है तो उसे तो बता ही सकते हैं, राइट? अजनबी नहीं है, पता है। यहाँ जो कुछ भी करना था मैं कर चुकी हूँ, और कुछ फाइल्स है जो मैंने किसी को दे दी है, लेकिन अब बात है ना, तो उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली थी और मैं अच्छा काम करती हूँ, तो अब क्या करना है? ठीक है, कोई बात नहीं। जान, तुम इसे एक मिनट के लिए देख सकते हो? Just a minute, Miss Pollen. Just a minute. क्या आपने कहा भूल जाओ? हाँ, मैं उसे सॉल्व कर चुका हूँ। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, सब सॉल्व कर लिया। जान प्लीज इधर आओ। Pollen, एक सेकंड। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी और कुछ नहीं। जान, तुम इसे एक बार देख सकते हो? जस्ट अ सेकंड। एक मिनट। हाँ, मैं समझता हूँ, थैंक्स कि तुमने इसमें इंटरेस्ट दिखाया। मैं अब सब कुछ देख लूंगा, कोई जरूरत हुई तो मैं बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू फॉर नाउ। एज यू विश। यस, एज यू विश। हाँ, ये इतने मुझे तुम्हें रिमाइंड करने के लिए कहा था कि नीचे एक मीटिंग होने वाली है कुक बुक के लिए। मैं जानती हूँ डियर सनम, और मैं वहाँ जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? फिक्र मत करो। वो श्रिम्स कितने येलो दिख रहे हैं। ओ जान, अब तो आ जाओ ना प्लीज। हाँ हाँ, मैं आ गया, सॉरी।
Have a nice day, MFKB. Have a nice day, my president. तुम्हें भी. MFKB, अब हम बिजनेस पार्टनर्स हैं. मेरी भी अपनी दुकान है, मैं वहां जाती हूँ, लेकिन अब से मेरी जगह यहाँ पर एहसान रहेगा तुम्हारे साथ. क्यों? वो तुम्हारी दुकान में रह सकता है ना, यहाँ क्यों रहेगा वो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो. वो एक अंडरवेयर की दुकान पर कैसे काम करेगा? और ईशान, मैं जा रही हूँ, वो कस्टमर मेरी राह देख रहे हैं. रुको, रुको. मैं बस अभी आई. अरे सुन, तुम कहाँ बातें जा रही हो? रुक जाओ. ओह गॉड, पागल कर दिया. प्रेसिडेंट साहिबा, आप इस शहद के लिए 100 लिराज लेती हैं, अच्छी बात है. ये तुम क्या कर रहे हो? शहद में उंगली क्यों डाल रहे हो? क्या कर रहे हो ये तुम? मुझे बेचनी है ये चीजें. तुम खराब कर रहे हो उन्हें. नहीं, मैं बस देख रहा था कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं. ये तो सच में ऑर्गेनिक है. अब... मुझे ना तुम गुस्सा मत दिलाना, चुपचाप खड़े रहो. तो फिर मैं अंडों को यहाँ रख देता हूँ. करो, पागल कर दिया मुझे. अब आप ही बताइए कि आपका क्या डिसीजन है, क्योंकि आप ही इस बुक के आर्ट डायरेक्टर हैं. पर मुझे लगता है कि इस तरह के किचन, इस तरह के विजुअल्स, इस तरह के डिजाइन्स बहुत अच्छे रहेंगे. आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं समझ सकता हूँ डियर. हाँ, अच्छा लगेगा. हाँ, बिल्कुल सही कहा. ये जो बुक है वो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, और तो और ये मैंने लंदन से ली थी. सॉरी, पर क्या ये बुक इंग्लैंड में भी पब्लिश होने वाली है? नहीं, सिर्फ टर्की में हो सकता है. ऐसा किचन किसके पास होगा? कौन इस पर यकीन करेगा? नॉनसेंस. आखिर तुम कहना क्या चाहती हो सनी? इसका क्या कनेक्शन है? ऑब्वियसली कनेक्शन है. सॉरी सॉरी, वो जो बुक कवर है ना, वही काफी एक्सपेंसिव लग रही है. मतलब सोचिए, अगर किचन ऐसा होगा तो खाना कितना एक्सपेंसिव होगा. मतलब ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ऑर्डिनरी इंसान के लिए ये सही होगा. मैं काफी कंफ्यूज्ड हूँ. क्या तुम फोटोग्राफर से बात करके उनका ओपिनियन ले सकती हो? ठीक है, उनको बुला लेते हैं और उनका अपॉइंटमेंट ले लेते हैं हम. क्या कहते तुम लोग? नहीं नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है. वो काफी बिजी है, उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, हम उन्हें बाद में बुला देंगे. प्लीज, ओ प्लीज, ये फोटोज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं. हमने उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में. वो कहना चाहती है कि जो तुम हो, जो तुम खाते हो, वो ही तो कह रही है. ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ. मैं उन्हें कॉल करूंगी, क्योंकि वो मेरे कॉल लिस्ट में दूसरे नंबर पर है. ऐसा क्या? जान, 5 मिनट ले आओगे क्या? प्लीज, तुम्हारी मदद की जरूरत है. क्या तुम? हम सब ने मिलकर उन्हें कॉल किया है, तो तुम्हें हम कहना चाहिए. हाँ, तो मेरे दोस्तों, हमारा मेन कॉन्सेप्ट ऐसा है, यू वांट यू ईट, हमारा ये मोटो है. मिस्टर डेनिस, एक्चुअली मिस्टर जॉन से सहमत हूँ. हमें काफी अच्छा और टर्किश कॉन्सेप्ट चाहिए. भगवान तुम्हें देता है. यूजुअली हम इस तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करते. अच्छा, हमें नहीं पता आप अपने देश में क्या कहती है, पर हम ऐसा ही कहते हैं. और आप बिना कहे भी रह सकती है, पर हम नहीं. तुम वो जो तुम खाती हो, ये काफी वीगन लोगों ने अपनाया हुआ है, राइट? और जो लोग काफी स्ट्रिक्ट डाइट मेंटेन करते हैं, ये सही नहीं रहेगा. आई थिंक ये बुक टेस्ट के लिए है और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है. मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मैं यहाँ आर्ट डायरेक्टर नहीं हूँ. वो काफी चिड़चिड़े हैं. आप बस कुछ फोटोज लीजिए, यही काफी है. कुछ फोटोज? ठीक है, मैं लेता हूँ, जल्दी लेता हूँ. क्या आप देखेंगे मिस्टर इजिट? देखिए डेनिस, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें बहुत ही अच्छी और टर्किश सीरीज चाहिए. तुम कुछ और बताने की ट्राई करो हमें. हाँ, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि मैं अपनी बुक में वर्ल्ड क्विजीन्स चाहती हूँ. मतलब हर कल्चर का खाना मेरी बुक में होना चाहिए. पर मेरे दिमाग में काफी डिस्टरबेंस हो रहा है. मैं अपने दिमाग में एक यूनिवर्स बना रहा हूँ. एक कंटिन्यूस इंटरेक्शन है, एक कंटिन्यूस डोन इश्यू है. हम यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का ट्राई कर रहे हैं. क्या हम यहाँ बिजनेस करना चाहते हैं? और उसके अलावा ये डोन थिंग क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. हम ऐसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? एनीवेज, गो ऑन. माय फोटोग्राफर फ्रेंड, क्या आप मुझे नहीं समझते? माय फोटोग्राफर फ्रेंड, क्या आपको समझ में आया? मैं ट्राई कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया है, क्या आप उस तरह के फोटोज ले पाएंगे? प्लीज बताइए, एक्सप्लेन कीजिए. ओके, मैं ट्राई कर सकता हूँ. आप प्लीज डिस्क्राइब कीजिए, मैं उस पर सोचता हूँ. आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा, ठीक है? डोंट वरी. पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको 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 रुको, आई एम डन नाउ. मुझे दिखाई दे रहा है इसका पन्ना कैसा है. देखो जरा, थोड़ा अलग है ना, देखो. चलो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ. प्लीज नहीं, रुक जाइए. मिस्टर डेनिस, हमारे फ्रेंड्स काफी अग्रेसिव है, आप हमें अच्छे से समझाइए. मैं ट्राई करता हूँ. मेरे दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हम 70s विंटेज स्टाइल शूट करते हैं, वुड सॉफ्ट लाइट, एकदम टॉप लाइट से.
अच्छा तो हम फोटो 70s की लेंगे और बुक को हम 2019 में बेचेंगे, क्या सच में? कमाल का आइडिया है। वेरी नाइस अमेजिंग आइडिया। ओह नहीं फ्रेश फूड, इसमें 50 सालों का टाइम डिफरेंस है, अभी एक्सपायर हो गया। ये अब मेरे लिए बहुत हो रहा है, मेरा वक्त काफी कीमती है, मैं इन दोस्तों के साथ काम नहीं कर सकता, आपके फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मिस्टर डेनिस, आपने तो हमें गलत समझ लिया। मिस्टर डेनिस, थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं आपको ये नहीं करती हूं। अरे नहीं, अब कौन होगा हमारा आर्ट डायरेक्टर? ये क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे? हाँ वो तो कौन है हमारा आर्ट डायरेक्टर जान? हमारे पास ना टाइम है और ना ही आर्ट डायरेक्टर है। मैं वो कर लूंगा पोलन, फिक्र मत करो। जान तुम क्या करोगे? ये प्रॉब्लम मेरे वजह से हुई है तो मैं ही सॉल्व भी करूंगा उसे। ओह शुक्र है तुमने इस बारे में सोचा, थैंक यू सो मच जान। ओह नो, पोलन ने काफी हार्श वे में बात की, मैंने नोटिस किया। नाउ काम डाउन, हमें आर्ट डायरेक्टर मिल गया है। जान डेविड, ओह क्या बात है, तो हमें मिल गया। हे एडिटर मिल गए, ओके यहां। और आर्ट डायरेक्टर भी रेडी है, फिर हम ही आपके नए कस्टमर्स बन जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओह नो, वो तो एकदम स्ट्रेंज आदमी था, जैसे कि स्क्रैम्बल एक बिना प्याज के ऐसे। एक्चुअली हम मोसाका नहीं बना रहे, हम स्क्रैम्बल की हुए अंडों में प्याज नहीं डालते हैं। मैं मोसाका नहीं कह रही थी, शायद आप यूके में स्क्रैम्बल एग में प्याज नहीं डालते। उसमें प्याज डाल सकते हैं। ये ऑर्गेनिक नारियल तेल क्या है, लोग इसे भी खरीदते हैं। अरे ये क्या है यार, इसे तो मैं भी बना सकता हूँ मेटल ग्रीस और कुछ स्टार्च के साथ और नींबू ताकि वो वाइट हो जाए, और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। इसे टेस्ट करता हूँ। कितना डिस्गस्टिंग है ये, लोग फिर भी इसे खरीदते हैं। इतनी खराब चीज कोई कैसे खा सकता है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है देखता हूँ। अरे ये क्या खाया मैंने, कितना बुरा है, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। वाह पूरा टेस्ट खराब हो गया। 20, 30, 40, 50, 60। ओ मुजफ्फर, अरे अंदर आओ, अंदर आओ, आ जाओ आ जाओ। हाँ? अरे क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, परेशान नजर आ रहे हो। हाँ मेरे भाई, अब मैं मिस्टर निहत अंकल की दुकान में काम कर रहा हूँ, वो बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे नौकरी पर रखा है। चलो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। कम से कम तुम्हारे पास एक जॉब तो है। हाँ तो तुम्हारे पास भी है, तुमने यहाँ मेरी जगह ले ली है, मेरी नौकरी खाकर तुम यहाँ पर मजे से बैठे हो। ऑर्गेनिक बिजनेस अच्छा है, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, ये इतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है, हालत खराब हो जाती है इसमें। नहीं, नहीं दोस्त, तुम्हारी जगह अलग है, कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। हमारी प्रेसिडेंट मैफकी भी अब घर गई है, इसलिए मैं फिलहाल के लिए दुकान की देखभाल कर रहा हूँ और कुछ नहीं। क्या मिसेज मैफकी भी तुम्हारी प्रेसिडेंट? वो तो मेरे लिए काफी खास है। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हें भी कोई भी रिप्लेस कर सकता है, तुम भी यहाँ पर परमानेंट नहीं हो, तुम्हें भी धक्के मारकर निकाल सकते हैं। उनकी बातों पर भरोसा मत करना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कह रहा हूँ समझे, अपना ध्यान रखना। आंटी मेव की बे तुम्हें भी एक दिन यहाँ से निकाल देगी। तुम ये क्या कह रहे हो, पागल हो गए हो क्या? तुम बस खुद की फिक्र करते रहो, मैं अपने लिए काम करने को कुछ ना कुछ ढूंढ निकालूंगा। चलो जाओ जाओ। अरे क्या कर रहे हो, मेरा छाता भी टूट गया, मेरी किस्मत तो देखो, सब बुरा हो रहा है मेरे साथ, अब ऐसी छाते से काम चलाना पड़ेगा। चलो जाओ अब। काम शुरू करें। हाँ। हम लोग रेडी हैं क्या, हम अब शुरू कर सकते हैं? हाँ, हम स्टार्ट करेंगे, हम और कर भी क्या सकते हैं, हम यहाँ आए हैं, मिले हैं, तो हम शुरू करेंगे ना। मैं बस कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हे मुझे एक चाय चाहिए। ठीक है मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम क्या कर रही हो, तुम यहाँ एक कस्टमर हो? हाँ मैं एक कस्टमर हूँ, और एक कस्टमर हमेशा सही होता है, तुमने ही बताया था। हाँ पर अभी बात को मत बढ़ाओ। बताइए सब लोग चाय ही पीना चाहेंगे ना? फिल्टर्ड कॉफी। ओके तो मैं अब सब्जेक्ट टाइटल से शुरू करता हूँ, और सनम क्या तुम सब्जेक्ट को लेकर एडिटर बनना चाहोगी? ओके मुझे स्टार्ट करने दो प्लीज। एडिटर हूँ ना। हाँ मिस सनम, प्लीज हम सुन रहे हैं, आप प्लीज बोलिए। हमें आप पर पूरा भरोसा है, आप एक फोटोग्राफर हैं। गॉड ब्लेस यू। हमें पता है कि आपने पिछले कुछ काम अच्छे किए हैं, आप काफी सक्सेसफुल हैं और आप एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं। हमने बहुत कुछ सुना है आपके बारे में। थैंक यू सो मच, आप हमें अप्रिशिएट कर रही है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है। तो मिस्टर जॉन इस बुक के आर्ट डायरेक्टर रहने वाले हैं, और वही इस बुक की आर्टिस्टिक देखभाल करेंगे आप। जॉन सच में, आपने तो मुझे बताया नहीं। सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। मिस्टर जॉन ये करने के लिए बहुत बेताब है, मैं क्या बताऊं आप, उन्हें ये करने की बहुत इच्छा थी, और वो पोलन की भी बहुत मदद करना चाहते हैं, वो बहुत हार्ड वर्किंग है।
उन्हें ये काम करना बहुत पसंद है और सच बताती हूँ उनके जैसा ये काम कोई नहीं कर सकता। हाँ सही कहा तुमने। वैसे थैंक्स टू जान, अगर वो ये सब नहीं कहता तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती ये करने की। वैसे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ अब, क्योंकि जान जानता है कि मैं क्या फील करती हूँ। उसे पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हम दोनों के दिल जुड़े हुए हैं, है ना जान। व्हाट एन एम्बियंस हार्मनी, व्हाट अ ग्रेट कपल। मेरा मतलब है बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं भी इस प्रोजेक्ट में हूँ तो मेरी एडिटर होने की सबसे पहली ड्यूटी है कि चीज़ों को और भी इंटरेस्टिंग बनाना। और अब मुझे कंपल्सिव ऑब्सेशन होने वाला है। मुझे यकीन है कि मैं कितनी लकी हूँ मुझे मौका मिला है ये सब करने का। मैं तो सरप्राइज्ड हूँ सच में, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। हाँ हम काफी लकी है कि हम आप जैसे एडिटर के साथ काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ कुछ कहना है जॉन। हाँ प्लीज बोलो। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, और होनी भी चाहिए ताकि हमें काम करने में मजा आए, चाहे आज का पहला दिन हो या फिर आखिरी। हाँ, मुझे सनम के साथ काम करके हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस 4 घंटे हुए और ऐसा लग रहा है कि हम सालों से काम कर रहे हैं। How nice, very good. हाँ मिस्टर जान, anyway. जैसे कि तुम भी सालों से मिस्टर येगेट के साथ हो, बस एक कार एक्सीडेंट था और उसमें तुम्हें खुशियाँ मिल गई। कितनी मस्त बात है, एक्सीडेंट जो हम देखना नहीं चाहते हैं फिर भी देखते हैं, मजेदार बात है नहीं? यस यस। अब हम लोग साथ में है ना सनम? सॉरी फिसल गया, एक्सक्यूज मी, डोंट माइंड। हां सॉरी, कोई बात नहीं, अब हम साथ में ही काम करेंगे। मैं भी यही सोच रही हूं। मुझे काफी डिजी लग रहा है, पता नहीं क्यों। चाय कहां रह गई? जे जे मैं आ रहा हूं मिस्टर जान, आ रहा हूं मैं, आ गया आ गया। मेरी कॉफी आ गई। चाय नहीं, व्हाट हैपेंड जे जे? मैं मजाक कर रही थी। हाँ आपने पी डाली? एक्चुअली अब सब कुछ क्लियर है, मुझे नहीं लगता हमारे पास बात करने को कुछ और। हाँ यही तो प्रॉब्लम होती है। ओ तो मैंने उसे पकड़ लिया। सिर्फ एक ही चीज है, कैलेंडर, क्या डेट प्रॉपर है? आप कहीं जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और कब वापस आएंगे? क्या आप वापस भी आएंगे? वो किताब। अरे मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हमारा कैलेंडर तो आपके डेट पर ही डिपेंड है ना, मतलब जब आप अवेलेबल हो। तुम इसके लिए कौन सी डेट डिसाइड करोगी? अभी इसी वक्त। ऐसे कैसे, तुम क्या कह रही हो? हम उसे जल्द से जल्द पब्लिश करना चाहते हैं, इनफैक्ट अगले हफ्ते ही। लेकिन वो होगा कैसे? ऑफ कोर्स मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर सनम इस बार ये पॉसिबल नहीं है, हमें आजकल काफी काम रहता है, इतनी जल्दी हम ये नहीं कर पाएंगे। क्या हम पोस्टपोन कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली जान, एक शू कंपनी है और हम काफी लेट भी चल रहे हैं। ओके उनका पीआर रिसर्च खत्म हो चुका है। मैं भी उस पर साथ में काम कर रहा हूँ। थैंक्स जे जे। और एक कार फैक्ट्री है, हमने उन्हें प्राइस प्रपोजल नहीं दिया। काम कर चुकी हूँ और डेरा और सुनर उस पर काम कर रहे हैं, अब तक तो खत्म भी हो चुका होगा। ब्रावो सनम। जे जे जस्ट अ मोमेंट। सनम अगर तुम चाहो तो हम एजेंसी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं, अब से ये हमारी प्राइवेट फाइल्स हैं, तो हम इससे शुरू कर सकते हैं, ठीक है? हम चाहे जितने भी दूर हो, हमारे दिल हमेशा करीब रहेंगे मिस्टर एरन। हाँ वैसा ही। ये चाय तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जब मैं यहाँ हुआ करती थी तब चाय अच्छी बना करती थी। मुझे बहुत अच्छी लगी जे जे, देखो कितना फास्ट पी लिया मैंने। कितना झूठ, इनका गला चल रहा होगा। ओके ओके सनम, ओके। देखो इसे ऐसे बनाते हैं। हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ओ मिसेस उमा आ रही है, सब लोग ठीक से रहो, बंद करो इसे। मैं पीछे जा रही हूँ। हाँ तुम क्या कर रही हो? गिजाम गुलीज मिसेस उमा। हाँ मुझे पता है। मेरी दोस्त आपसे कुछ कहना चाहती थी पर मुझे कॉफी की खुशबू आ रही है। फ्रेश कॉफी की स्मेल। मेरी कॉफी कहाँ है? हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ, रुकिए मैं अभी लेकर आई। चलो ठीक है। हाँ ठीक है, फिर हम बात करेंगे। ओ हाय। हेलो। तुमसे नहीं कह रही हूँ, पोलिन से बात कर रही हूँ। यस मिसेस हुमा, तुम्हारे जाने से पहले कॉफी पी ले। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर, यकीन मैं कॉफी पीऊंगी और फिर तुमसे आकर मिलती हूँ, ठीक है? ओके। किजाम कॉफी मेरे रूम में भेज दो। श्योर मिसेस हुमा। किजाम वो मुझे ऐसे ही बुलाती हैं। सनम चलो चलते। हाँ लेट्स गो। हाँ जरूर प्लीज जाओ, तुम जल्दी जाओ। तो फिर ठीक है, सी यू मिस्टर जान। सी यू सून। मिस्टर जान कॉफी लेंगे? हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग बनाना विदाउट शुगर। लहला मेरा दिमाग खराब हो जाएगा अब। क्या हुआ, तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो कुछ भी? बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? जान मुझे पागल बना रहे हैं, मैं उन्हें अब मार डालूंगी, वो मुझसे बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। क्यों क्यों क्या हुआ? और अब मैं क्या कर सकती हूँ, वो मुझे पागल बना रहे हैं और मैं पागल हुई जा रही हूँ, मैं उन्हें मार डालूंगी।
और जान दिवित, मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? एमरे, क्या तुम्हें पता है, देखो मैं एक जेंटल, सॉफ्ट हार्टेड, पोलाइट और एक अच्छा आदमी हूँ। तुम्हें पता है मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं वायलेंस के एकदम खिलाफ हूँ। मैं अब जाकर थोड़ी एक्सरसाइज कर लेता हूँ और खुद को काम कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि वरना मैं लोगों को मारता फिरूंगा और जबरदस्ती को इंजर हो जाएगा, वो अच्छी बात नहीं है, है ना। मेरे भाई तुम बकवास करना बंद करो और जाके थोड़ा आराम कर लो, बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया। एमरे, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में सरप्राइज मत होना, मैं सिगरेट को मार डालूंगा, तुम समझ रहे हो? मैं अगर किसी को मारता हूँ ना तो फिर बहुत अच्छी तरह से मारता हूँ, ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं कितना अच्छा बॉक्सर हूँ पता ना तुम्हें? भाई क्या बेकार बातें कर रहे हैं तुम भी ना। सनीम क्या तुम बैठ जाओगी? मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर सकती हूँ। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगी, मुझे इस एनर्जी को खत्म नहीं करना है। मैं कातिल बन जाऊंगी और उन्हें मार डालूंगी, देखना। मैं नहीं, 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 सनीम। और फिर तुम मॉम को बता देना मैंने क्या किया। मुझे पता नहीं कि वो जुजित्सु क्या वो उन टेक्निक्स को जानता है। क्या तुम्हें पता है एमरे, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसके जिम में जा सकता हूँ, वही सब सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि वो टेक्निक जानता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं एक दिन, सच कह रहा हूँ, मैं मारूंगा उससे, मैं छोड़ूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसकी शक्ल देखता हूँ ना वैसे ही मेरा दिमाग घूमने लग जाता है, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। नहीं, अब मैं उन्हें और नहीं देख सकती। वो वहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते वो? उन्हें साथ में देखकर मुझे अजीब सा लगता है। मेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढो, मुझे यहाँ बिठाओ प्लीज, मुझे यहाँ बैठना है। प्लीज बैठ जाओ कुछ पलों के लिए, तुम हमेशा हिलती रहती हो, मेरी आंखें अब थक गई हैं, एक जगह बैठ जाओ प्लीज। अब तो नोटिस पीरियड भी नहीं रखा है फिर भी वो आती रहती है, वो वहाँ क्यों नहीं रहती, मुझे पागल क्यों कर रही है, चाहती क्या है वो? मैंने एक नया जॉब शुरू किया है, एक नई जिंदगी जी रही हूँ और उसकी बहन मेरे सामने आती है हमेशा। ओह लेडीज, ये गेट, हेलो, कैसे हो तुम? थैंक यू। तुमने आज क्या किया? मेरा काम हो गया, तुम्हारा? हंसना और चुगली करना लोगों को खुशी देता है। हाँ, हम बस बातें कर रहे थे। हाय उस्मान, तुम यहाँ पर हो? तुम एक नया घर ढूंढ रहे हो, ऐसा क्या हो गया? हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें ढूंढना चाहिए। ठीक है रुको, मैं वहाँ आती हूँ। ठीक है, उस्मान यहाँ पास में है, वो रेंट के लिए आया है, उसे ज्यादा देर मत रुकना। मैं मिलती हूँ। मैरिज प्रिपरेशन? हाँ वही। गुड लक। थैंक्स, सी यू। मैं चलती हूँ, मैं भी खुद को संभाल लेती हूँ, मेरे पास अपना खुद का टेबल है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है ना, मेरा टेबल है। उस एजेंसी में मेरे पास एक भी जगह नहीं थी और बाद में मुझे बस एक डेस्क मिला था और कुछ नहीं, पर यहाँ सब कुछ है। सच में मुझे खुशी है कि तुम यहाँ खुश हो। मैं यहाँ वाकई में बहुत खुश हूँ। सबसे पहले मैं वहाँ एक नौकर बनकर काम करती थी। आप चाय लेंगे क्या? मैं आपके लिए चाय लाई हूँ, ये लीजिए चाय। मिस्टर जान आप चाय पियेंगे, ये लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। मिस्टर जान चाय पी लीजिए, कोई स्पेशल काम नहीं, मेरा कोई भी पर्टिकुलर काम नहीं था। वहाँ हमेशा शोर रहता था, लोग हमेशा चीजों के लिए वेट करते थे, पर क्या, काम करने के लिए, वहाँ काम करना हार्ड था, पर यहाँ मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। ये जगह काफी अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ काफी काम और पीस है यहाँ। अरे काफी अच्छी है, लेकिन आप उधर जाइए, नहीं तो वहाँ से वो लोग चले जाएंगे। ओ, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, अब हमारे पास एक अच्छी जगह है, क्यों ना हम वहाँ पे काम शुरू करें। जैसे कि तुम्हारी नॉवल पर मैं जानता हूँ कि जो तुम्हें लिखा है वो काफी अच्छा है और सुन के भी अच्छा लगा। मैं समझता हूँ कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। हाँ ऑफ कोर्स, हम यहाँ काम करने आए हैं, चलो मेरे टेबल पर चलते हैं। ओके श्योर। मैं तुम यहाँ बैठ जाती हूँ। ओके ओ, तुम्हें क्या लगता है उस स्टोरी के बारे में, क्या कोई स्टोरी है या कोई ड्राफ्ट? हाँ, मुझे अर्ली बर्ड का नाम देना है इस बुक को, क्योंकि ये बुक मेरी जिंदगी से इंस्पायर्ड रहेगी, इसीलिए। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा है। अक्सर राइटर्स लिखने की शुरुआत अपने जिंदगी से करते हैं क्योंकि वो सच होता है, एकदम रियल फीलिंग्स। ये पढ़ना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है और तुम लिखती भी बहुत ही अच्छा हो। एक ऐसी लड़की जो सिंपल से मोहल्ले में रहती है, जिसके कुछ सपने हैं और उसके सपने इतने बड़े हैं, जो मैं इस किताब में लिखने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो कैरेक्टर लोगों को रियल लगे, एक जिंदा कैरेक्टर जिसे लोग पढ़ने के लिए बेताब हो, जो उन्हें उनका अपना लगना चाहिए, जिससे वो रिलेट कर पाए। मुझे ये बताओ तुमने इस बुक का टाइटल ये क्यों रखा? क्योंकि उसके सपने इतने बड़े हैं कि एक दिन भी कम पड़ जाए। उसके फैमिली की किराने की दुकान है और वो रोज सुबह जल्दी उठती है और दुकान खोलने के लिए जाती है और दिन की शुरुआत करती है। वाह वाह सनम, ये तो बहुत ही अच्छा है।
तुम्हारा कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तुम लिखना शुरू कर दो। मैं एंड के बारे में श्योर नहीं हूँ, पर मैं कुछ नोट्स निकाल चुकी हूँ और अब मैं वो नहीं कह सकती कि मैं श्योर हूँ। ठीक है, तो फिर अब तुम्हें लिखना चाहिए, तुम लिखना शुरू कर सकती हो। ऑलराइट, हाय पोलन। ठीक है, फिर मैं काम करती हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, चलो मेरे रूम में चलते हैं। क्या हमारे पास यहाँ रूम स्प्रे है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। हाँ चलो। आ गई ये नाक में दम करने। तो कैसा है? क्या कह रहे हो उस्मान, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ये सब इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर तुम घर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हमारे पास वक्त है उस्मान। माफ कीजिएगा, मुझे एक कॉल करना है। देखो मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मैं एडवांस पेमेंट कर सकता हूँ और बैंक से कुछ क्रेडिट भी ले लूंगा। तुम फिक्र मत करो, ओके? मैं बस हमारे लिए घर लेना चाहता था। क्यों, अच्छा नहीं है? बहुत बढ़िया है, पर वो कर्ज चुकाना है, मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। कर्ज को चुकाना मामूली बात नहीं है। मेरा उस एजेंसी के साथ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, टीवी सीरीज भी अच्छी चल रही है। तुम फिक्र मत करो, हम दोनों बस खुशी खुशी साथ जिएंगे। इस समर हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। हाँ, सब कुछ बदल जाएगा, पर सबसे पहले मुझे एक ऐसा घर ढूंढना है जो तुम्हें अच्छा लगेगा, एक खूबसूरत घर। हेलो, तो आप लोगों ने क्या सोचा? हाँ, हमें अच्छा लगा, पर थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे। नहीं, मैं इन्हें अच्छे से काट रहा हूँ। हाँ, ये ऐसे। चुप रहो। नहीं, मैं सच में काट रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं आता क्या? तुम बाहर का खाना खाते हो? नहीं ग्रैनी, वो बस आज के लिए था। मैं अच्छा हेल्दी फूड खाता हूँ जो मुझे कलर देता है। हाँ, मैं सिर्फ ऑर्गेनिक फूड खाता हूँ ग्रैनी, आपको भी पता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? नहीं, अभी नहीं निकली दादी, पर मैं निकाल लूंगा, एक सेकंड। और आप ये ऐसे कैसे? सब कुछ दिखाई दे रहा है, चुप रहो। ओके, तो आपने मुझे कॉल क्यों किया है ग्रैनी? मैं मरने वाली हूँ। क्या कहा आपने? क्या कह रही हैं आप? आपने मुझे कॉल क्यों किया है? आपको एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। मैं कितने किलोमीटर दूर हूँ, एम्बुलेंस को कॉल कीजिए आप। मैं अभी नहीं मर रही। नहीं नहीं, आप आज नहीं जा सकती, आप कल जाइए। ओके, हम आपकी डेथ प्लान कल करेंगे। अरे नहीं, आप कैसे जा सकती हैं? हाँ, आपने तो पिछले ही साल आपका 100th बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना, आप एक छोटी बच्ची हैं। ग्रैनी, मैं 100 साल की हूँ फिर भी दुखी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चों को देख नहीं सकती। ओ, ये नेटवर्क बहुत ही खराब लगता है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ दादी। मुझे तुम्हारे बच्चे देखने। क्या कहा? मेरे बच्चे? आप मेरे बच्चों को देखना चाहती हैं? कम ऑन दादी, आप मेरे बच्चों को क्यों देखना चाहती हो? जल्दी से शादी कर लो ताकि मैं आराम से मर सकूं। शादी? अगर मैं शादी नहीं करूंगा तो आप मर जाएंगी? दादी आप ये क्या कह रही हो, मेरे अपने प्लान से प्लीज। तुम्हारे प्लान। चिल्ला क्यों रही हैं? अपसेट मत होइए, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। बहुत हो गया, तुम वही करोगे। दादी आप फिर से फास्ट बात करने लग गई हैं, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? दादी प्लीज मेरी बात सुनिए। ये किस तरह की इच्छा है? ये इच्छा नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा ये धमकी है। कहती है कि शादी कर ले। अरे ऐसे कोई शादी कर सकता है क्या? अब मैं सबको काट दूंगा, लेकिन ऐसे चॉप नहीं करूंगा। और एवोकाडो को भी उस स्टोन के साथ रहने दूंगा, और मैं वही बाहर का खाना खाऊंगा। ओके, बाहर का ही खाना खाऊंगा। पता नहीं उन्हें सब कुछ कैसे पता चलता है। सच में मिर्चबे, ये ठंडा ठंडा खाना ऑलिव ऑयल के साथ बहुत अच्छा है, क्या लगता है? काफी टेस्टी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खाओ 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 खाओ, मैंने अपने ऑर्गेनिक ऑलिव ऑयल यूज किया है इसमें। टेस्ट बहुत ही नेचुरल आता है, बहुत ही अच्छा। क्या तूने उस बॉटल को देखा मिर्चबे? हाँ देखो ना, देखो। हाँ वही। हाँ देखो देखो। तुम हंस क्यों रहे हो? वो काफी टेस्टी है। गॉड ब्लेस योर हैंड्स।
ये मेरा ऑलिव ऑयल है, मैंने उसे इस बॉटल में डाला था, आपने नहीं देखा। देखा तुमने, इसकी टेस्ट अलग नहीं है। Bon appetit. इससे ना हम बीमार हो जाएंगे, सुन रहे हो? मैं वही सोचूं कि इन्होंने बिना कंप्लेन किए पूरी प्लेट कैसे चट कर दी। वैसे मुझे ना उसका टेस्ट पता चल गया था, मुझे लगा शायद बैंगन की वजह से हुआ है, पर ये तो इसकी वजह से है। मैं समझ गई। डैड का स्कोर 1 है और आपका 0। हाँ हाँ, ये सच है मॉम। हाँ, गॉड ब्लेस योर हैंड। और अब मैं चलती हूँ, मुझे नॉवल लिखनी है। ठीक है बेटा, जाओ जाओ अपना काम करो। और सुनो, अपनी बहन को यहाँ भेज दो, क्योंकि उसका वजन बहुत कम हो गया है, खाना ही नहीं खाती है। आके कुछ खाना तो खाए। ठीक है, मैं उसे बताती हूँ। हाँ, यहाँ आने बोलो। पर आज डैड का गोल अच्छा था। पागल। La 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 la